अस्सलाम वालेकुम, मैं मौला सर्विस गेट में रहता हूँ और मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि महंगाई के खिलाफ कि आप एक चार गड़ी लेके आता था, मैं पहले लेके आया लोबिया 200 कुछ रुपए, आज मैं मंडी गया तो उन्होंने कहा जी 580 रुपए का किलो लोबिया किलो चने मिलेंगे। अब बताओ मैं इसमें कितना 10 से 20 रुपए मेरा गाहक नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, किससे जाके फरियाद करूँ, कोई ऐसा बंदा है जो सुनना ही हमारी गरीबों को सुन ले। आटे जाओ आटे के लेने आटे की कीमत जाओ, आटा लाने में मिल रहा है वो भी चोकर, आटा रोटी पकाओ अगर आप रोटी पका जाओ मैं मान जाऊँ आपको 600 तोड़ा है, 610 रुपये का तोड़ा मिल रहा है, आप जाएँ बन्नी में मिल रहा है, लेकिन आप सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाए आटे रोटी पका लें घर पर आके, आधे से ज़्यादा चोकर उसके अंदर है, हैं क्या पकाएंगे रोटी, घर बच्चों को रोटी दो, बच्चे कहते हैं सूखी रोटी पका ली तुमने, ये क्या रोटी पकाई है, कोई बात करने वाली है कोई, ये इंसानियत है गरीब आदमी के लिए, दालों भी दालों से ही मजबूर हो गए हम लोग, हम इतने की मजबूर हो गए दाल भी नहीं खा सकते, चलो घी दो हैं घी, चलो घी जाओ घी 450 रुपए का, हाँ जी वो चीनी लाओ वो हिस्सा किलो, जी यार क्या करेंगे, अभी मैंने आधा किलो दाल लेकर आया घर के लिए, उन्होंने कहा 150 रुपये दे दो आप मुझे, अभी की बात है 150 की दाल लेकर आया हूँ मैं, अब अंदाजा लगाओ कि आधा किलो दाल 150 रुपये में कितने बंदे खाएंगे उसको और कितने दिन खाएंगे, यार को इंसानियत है, हम तो गरीबों को वैसे ही मार दो, एक बम लाओ पेशावर के लिए, वो जैसा चैनल ने किया था ना बम लाओ उड़ा दो सारों को, देगा बांस ना बजेगी बांस, हम ना गरीब वैसे ही मर जाएंगे सारे, हैं आप यह बताओ हैं, तो ये बात को समझने की कोशिश करो, आप खुदा का वास्ता रसूल का वास्ता तुम फिर गरीबों को सोचो, हैं हमारे क्या हालात कर दिया आप लोगों ने, क्या कर दिया है, मुर्गी हम नहीं खा सकते, गोश्त हम नहीं खा सकते, दालें भी आसमानों चले गई, अब क्या करेंगे, हम नहीं कुछ हम जीने के काबिल नहीं रहे, हमें मार दो बस, हमें मार दो बस, हमें